उत्तराखंड के नैनीताल के काला डूंगी में कांग्रेसियों द्वारा काले कानून को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष कह रहा था कि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तो सभी किसानों के साथ मिलकर वह दिल्ली कूच करेंगे। के नैनीताल के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड कोटा बाग में कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं पीयूष बिष्ट जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी की ताना सरकार ने कृषि बिल पास कराए उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस द्वारा कोटा बाग में प्रदर्शन किया जा रहा है। जर्जर सड़कें, बेरोजगारी के अलावा केंद्र में बैठी ताना सरकार के देश को कुछ भी नहीं दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती तो वह सभी किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे।